बेचने नहीं आ रहा, व्यापारी ले नहीं रहे। बंगाल ने सब बिहार भेज दो, बारिश की वजह से सारे हाईवे बंद है, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे प्रदेश में आलू जा ही नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूँ आपके साथ राजीव। इस समय मानीमो क्षेत्र में हम दंदौरा खुद में और प्रकाश कोल्ड स्टोरेज में। सामने की तरफ आपको दिखा सकते हैं, इस आलू की बिक्री चलने वाली है और इसका जो कटबीज आलू है वो भैया ने बगल में निकाल दिया है, किसान भाई ने मेहनत करके निकाला। तो भैया कितने बैकेट की लाट है? 55 बोरी की लाट है। आलू ये कौन सा है? चिप सोना है। लगभग में अब अगर देखा जाए तो आपके पैकेट में लगभग 3-4 किलो निकल गया। 10 किलो तो नहीं होगा। 10 किलो क्या भैया? 10 किलो निकलेगा। 10 किलो गारंटी के साथ। गारंटी का 10 किलो अभी बोरी में, नीचे की लाट में आधी निकल सकते। ये जो मान लो कि आलू किसान का है, भैया का, किसान भाई हमारे साथ हैं, तो भैया ये आलू आप कहा बता रहे 10 किलो निकला है? 10 किलो लग रहा है आपको? 10 किलो नहीं है, लगभग 3-4 किलो तक है। 5-6 किलो मान लो, तो 5-6 किलो के आसपास पर बोरी की अगर हिसाब से देखा जाए तो कटबीज है। तो इस आलू व्यापारी महोदय के साथ सौदा होगी, कटबीज के साथ होगी या इधर चुपता बिछेगा? नहीं, 51 किलो से होगी। 51 किलो मतलब कटाने का, सूखा वाला 51 किलो कितना, क्या पोजीशन में लेंगे लगभग? बता कितने रुपए में लेंगे सूखा? मतलब किसान अगर कटवा के छटवा के देगा बिल्कुल ओके करके, कितने? बिल्कुल फ्रेश 450। 450 में बिल्कुल कटा कटाया सूखा सुखाया, इसके ऊपर गुंजाइश नहीं है? है। कितने की? वो सौदा कटने पर। सौदा कटने पर ज्यादा चोपी छापी तो कटफीस में आए गलत के वापस नहीं तो कटफीस चोपी छापी तो ये तो वापस करेंगे किसान, तो आपको बढ़िया बिल्कुल बना के देंगे, एक नंबर क्वालिटी। वो नहीं बनता है चौबी चाबी वाला नहीं बन पाता, वो नहीं बनता। 51 किलो का आलू 450 रुपए के लिए फ्रेश आलू जी, किसान का लगभग अगर बात देखी जाए 47 पैकेट में 20-25 पैकेट बन पाए, और 20-25 नहीं तो मान चलो उसमें से 15-20% तो साठ हुई है। कहाँ से ना 15-20 साठ हुई है यार, 5 पैकेट साठ हुई है। मेरे हिसाब से केवल 4 से 5 पैकेट साठ हुई है। आपके साथ कितने रुपए बची हो जाएगी? ये 490-500 के लगभग। वही तो मतलब सूखा सुखाया, सूखो सुखाओ जब फ्रेश बिल्कुल, जब जब एकदम नीट एंड क्लीन दिए तो 500 रुपया ही होती है। सही बात है, पूरी मेहनत करके सब जब सफाई कुछ हुई है उसके बाद स्टार्टिंग को भाड़ा भी तो कस्टमर की तरफ चल रही है ना। स्टार्टिंग का भाड़ा भी कस्टमर तरफ जाएगा। तो फिलहाल में अगर बात की जाए तो इस आलू की बिक्री चल रही है, सौदा हमारे साथ, तो हमको तो नहीं लग रहा कि किसान भैया क्या हो पाएगी सौदा हिसाब से, लग रहा है क्या हो जाएगी 500 तक? भैया लोग तो ये कह रहे हैं कि आपका आलू यहाँ कटा के और सुखा के जो कुछ छाट छोड़ के सेब जो बचेगा उस आलू फ्रेश आलू 51 किलो के लोग लेंगे बोरा भर के 500 के साथ। सबसे बड़ी समस्या है सारे आलू धूप के लगे हुए हैं, सारे आलू धूप के लगे हैं, कोई ग्रीडिंग तो है नहीं किसी के पास। तो आज की तारीख में अगर बात की जाए तो बढ़िया चिप्सोना आलू 60 किलो भर्ती कितने रुपए में आप ले लेंगे? 60 किलो की भर्ती तो ऊर्जा वाला ले रहे 525 का 60 किलो भर्ती। 60 किलो कांटा से और 54-55 किलो की पर्ची पड़ी है 425-430 रुपए लेके आए गोविंदा से। अच्छा, कुल मिला के बाजार में डाउन है मामला? बाजार डाउन तो है, बाजार डाउन है। 60 किलो कांटा से लेंगे 525 का लेंगे ऊर्जा वाला 525 का। तो वही स्थिति है फिलहाल में कोल्डो की अगर बात की जाए तो कोल्डो में सन्नाटा है। और सबसे बड़ी बात है किसान अपने घर से नहीं आ रहा, व्यापारी ले नहीं रहा, उसका पर्चा नहीं आ रहा। दूसरा किसान बेचने नहीं आ रहा, व्यापारी ले नहीं रहे, उसका पर्चा नहीं आ रहा, आलू नहीं कर रहा टीम है। जहाँ लोडिंग है लोडिंग में बंगाल ने सब बिहार भेज दो, बारिश की वजह से सारे हाईवे बंद है, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे प्रदेश में आलू जा ही नहीं पा रहा है। बारिश को भी बहुत बड़ा असर है इसमें ना, क्या आलू 25% फसल है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। लोग कह रहे हैं कि इस बार तो कच्ची आलू की बुवाई लेट हो पाए। नहीं, आपकी कच्ची आलू की फसल जल्दी हुई है ना, जल्दी मार देगा। हाँ, जो वही है कच्ची आलू की फसल जल्दी मार देगी। व्यापारी महोदय हाईब्रिड वगैरह का चल रहा है? हाईब्रिड तो 150 से लगा के 200 रुपए तो बिक रहा है, बड़ा जल्दी स्थिति डाउन है। जो किसान को पैसा मिल रहा है तो वही स्थिति है फिलहाल में। कोल्ड स्टोरेज की अगर बात की जाए तो इस कोल्ड स्टोरेज में बढ़िया आलू अगर है सोना तो 500 के आसपास बिक जाएगा। और वहीं हाइब्रिड आलू बात की जाए तो हाइब्रिड आलू कितनी ज्यादा डिमांड 200-250 रुपए है कंचन, और सिंदूरी वगैरह 300 के आसपास बिक्री चल रही है।